सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुश मांडा IAS HCS Academy को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुश मांडा अकेडमी में। और अभी हम डिस्कस करेंगे SCS मेन टेस्ट सीरीज के लिए, और जिसमें आपका इंग्लिश और इंग्लिश एसए के नाम से एक पेपर होता है, और इसके जो मार्क्स हैं वो आपके 100 मार्क्स होते हैं। तो ये हम टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है, उस टेस्ट सीरीज का क्या शेड्यूल रहेगा इस पर मैं थोड़ी सी बात आपसे कर देता हूँ। बाकी क्या बातें हैं जो मेंस में स्कोर करने के लिए ज़रूरी होती हैं उनकी बात कर लेंगे। तो आपका इंग्लिश और इंग्लिश एसए में जो 100 मार्क्स का होता है, आप 80 से 85 मार्क्स तक लेकर आ सकते हो, ऐसा पॉसिबल है। ऑन एवरेज लोग 50-55 तक रह जाते हैं, तो थोड़ा सा अगर अच्छे से आप प्लान करके तैयारी करो तो हो सकता है। तो मेन एग्जाम केवल उस कैंडिडेट का होता है जो उस क्वेश्चन को, मेन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को एक बार पहले ही लिख कर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ उनके आंसर्स की फ्रेमिंग पर, उनके आंसर्स में क्या होना चाहिए उसको आप राइट डाउन करके किसी एक्सपर्ट से या एक्सपीरियंस टीचर से करेक्ट करा चुके हैं। तो इसके लिए हमने टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, और इसमें आप जो है ना, आपके आंसर राइटिंग भी आपकी हो जाएगी, साथ साथ आपका जो है ना करेक्शंस भी हो जाएंगे आंसर्स में। तो आगे बात करते हैं। तो ये बात मैं पहले कर चुका हूँ कि क्यों स्कोर नहीं कर पाते मेन एग्जाम में स्टूडेंट्स, क्या वजह है, और एग्जामिनर आपके आंसर्स में ऐसा क्या है, क्या देखता है कि वो उसी पर मार्क्स देता है। तो इसमें मैंने पीछे कंटेंट की बात की थी, दोबारा से मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, और लैंग्वेज की बात भी थी और कीवर्ड्स की बात मैंने की थी, वो वीडियो आप देख लेना। स्ट्रक्चर पर बात हुई थी और आपके एनालिसिस पर या एनालिटिकल एबिलिटी पर। तो अब बात कर लेते हैं जिसलिए जो टॉपिक है हमारा वो है आपका इंग्लिश और इंग्लिश एसे की टेस्ट सीरीज। तो उसका शेड्यूल मैं आपसे बता देता हूँ किस तरीके से ये टेस्ट सीरीज हम चलाएंगे, और पर्सनलाइज्ड शेड्यूलिंग है। जैसे जैसे आप करते जाओ आप उनके आंसर्स हमें लिख कर सेंड कर सकते हो, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, आप हमारे इंस्टीट्यूट पर आकर भी लिख सकते हो या आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो पहला टॉपिक है हमारा, जो पहला टेस्ट है वो एसेस के ऊपर है, तो दूसरा प्रेसी पर है, ये पूछा जाता है, कॉम्प्रिहेंशन है और ग्रामर। तो ये हमने सेक्शंस में 4 टेस्ट डिवाइड किए हैं, उसके अलावा 11 टेस्ट हमने फुल लेंथ टेस्ट रखे हैं इसमें, जो HPSC का पैटर्न है उसी पर। तो टोटल 15 टेस्ट हमारे हैं इसमें, तो ये आपके फुल लेंथ टेस्ट है। तो ये शेड्यूल है, और अगर आप इतनी प्रैक्टिस करते हो तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक सारे करेक्शन जो अब कमियां होती हैं जो हमें खुद से देखने से पता नहीं चलती हैं अपने आंसर्स में, तो वो सब खत्म हो जाएंगी आपकी। और सिनॉप्सिस भी हम यहाँ प्रोवाइड कराएंगे टेस्ट के अलावा, पर्सनलाइज शेड्यूलिंग की बात मैं कर ही चुका हूँ, और इसके अलावा हाँ बात फिर वहीं आ जाती है कि अगर लिखोगे नहीं, सिर्फ प्रीलिम्स में जो आपने पढ़ाई की है, जिस जो तरीका आपने प्रीलिम्स निकालने का अपनाया, अगर आप वो तरीका यहाँ पर अपनाओगे तो मेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपने बहुत लिखना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा करेक्शंस कराने पड़ेंगे, तब जाकर आपका मेंस होगा। तो ये 15 टेस्ट है, इन 15 टेस्ट के जरिए हम कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो पेपर आने वाला है उसमें आपका स्कोर हम कहीं ना कहीं काफी हद तक बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद। कुशमांडा IAS HCS Academy for success।